Morning students, I hope you all are fine. So in previous class we learned about first and second chapter. So today I will teach you chapter 3, that is parts of computer. So you know about parts of computer, there are four main parts of computer. First is monitor, second is mouse, third is keyboard and fourth is CPU box. CPU's full form is Central Processing Unit. What is Central Processing Unit? So in computer there are some additional parts also, like printer, scanner, speaker and etc. So additional parts of computer we will learn in next class. Today we will learn about four main parts of computer, that is monitor, mouse, keyboard and CPU box. You may see here, monitor looks like this. This is CPU box. This is keyboard. And this one is mouse. You all have seen with computer. So, page number 21. Just like we have hands, legs, eyes and ears, the computer has many parts. What are the names of the main parts of the computer? The names of four main parts are monitor, mouse, keyboard and CPU. Let us learn about each of these parts. जैसे कि हमारे body में बहुत सारे parts होते हैं, like hands, legs, eyes and ears. वैसे ही computer के भी four main parts होते हैं, that is monitor, mouse, keyboard and CPU. So first we will learn about monitor. This is the monitor. It displays everything that we done on the computer. हम computer में जो भी काम करते हैं वो किस पे दिखेगा हमको? किस पे show करता है? Monitor पे. Does it remind you of another machine? Yes, it's like a TV. Some monitor screens are big while some are small. तो monitor को देख के हमें कुछ और भी machine याद आती है. What is that? TV, television. So, some monitor screens are big and some are small. Kuch monitor screen badi hoti hai aur kuch monitor screen choti hoti hai. So, next topic is mouse. This is a computer mouse. What is this? Computer mouse. It points to things on the monitor. Kuch bhi point karne ke liye hum koi bhi cheez ko monitor pe point karne ke liye यूज करेंगे माउस का. कुछ भी हम कुछ भी फाइल, कुछ भी फोटो, कुछ भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? माउस के थ्रू. द माउस इज ऑलवेज यूज्ड विद द माउस पैड. द माउस यूजुअली हैज टू और थ्री बटन्स एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स. सो माउस में कितने बटन्स होते हैं? टू और थ्री. एक होता है स्क्रॉलर व्हील, बीच में इसको पेज को अप डाउन करने के लिए है. ये है राइट बटन, ये है लेफ्ट बटन. नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 22, कीबोर्ड. दिस इज द कीबोर्ड. यू मे सी हियर कीबोर्ड. दिस वन इज कीबोर्ड. इट इज मेड ऑफ सेवरल बट स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज. कीबोर्ड्स में जो स्मॉल बटन्स दिखते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कीज. ईच की हैज अ नंबर, लेटर और अ वर्ड रिटन ऑन इट. एक एक की पे कोई भी नंबर, लेटर, कुछ वर्ड लिखा हुआ होता है. वी कैन टाइप आवर टेक्स्ट एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कमांड दे सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं. The result of our typing and commands given using a keyboard appears on the monitor. जो भी हम कमांड से टाइपिंग करते हैं वो हमें किस पे शो करता है? मॉनिटर पे. सो नेक्स्ट पेज नंबर 23, सीपीयू बॉक्स. दिस इज द सीपीयू बॉक्स. दिस यू मे सी हियर आल्सो. दिस इज द सीपीयू बॉक्स और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स. सो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग
कंप्यूटर, ये क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू भी क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। इट हैज एन ऑन और ऑफ बटन, आल्सो कॉल्ड पावर बटन। इसमें ऑन और ऑफ बटन होता है, इस टाइप से उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बटन। इससे हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। हमारे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू से। जैसे हमारे बॉडी का सारा वर्क काम किससे होता है, हार्ट से होगा या फिर ब्रेन से होगा, वैसे ही कंप्यूटर का सारे पार्ट्स किससे कनेक्टेड होता है, सीपीयू से। सो नेक्स्ट इज एडिशनल पार्ट्स। एडिशनल पार्ट्स विल बी लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास। दे आर प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर एंड सम अदर आल्सो। सो दिस एडिशनल पार्ट्स विल बी लर्न इन नेक्स्ट क्लास। So you are, I hope you all understand about parts of the computer. There are four main parts. You have to learn four main parts: monitor,